नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े हुए सवालों के जवाब देते हैं। आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934065 इस नंबर पे अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही इस शो के लिए भेजें। और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से और अनुज गुप्ता हैं HDFC सिक्योरिटीज से, जो अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहेंगे और आपके हर सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही शो में आगे हमारे साथ दोराब मिस्त्री होंगे, जो गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे खाने के तेल को लेकर, किस तरह का आउटलुक है, दाम आगे किधर रहने वाले हैं, कहाँ ज़्यादा तेजी और कहाँ मंदी, पूरा ओवरऑल आउटलुक खाने के तेल के मार्केट को लेकर हम उनसे समझने वाले हैं। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। चांदी पर सबसे पहले बताइए केडिया जी, आज अच्छी तेज़ी दिख रही है, यहाँ पर क्या करना चाहिए 85,000 के आसपास के भाव में? देखिए, अगर हम एक्चुअली पिछले हफ्ते से अगर बात करें तो पिछले हफ्ते से मार्केट एक बड़े दायरे में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बिकॉज पिछले हफ्ते हमने फेड के मिनट्स देखे थे, जहां पे स्टेटमेंट्स काफी डॉवीस आता हुआ दिखाई दिया। अब कंफर्म है कि सितंबर में रेट कट होगा, जिसके बाद एक्चुअली तेजी बननी चाहिए थी और तेजी बनी भी, लेकिन $30 के ऊपर इंटरनेशनल में नहीं जा पा रहा, ना ही 85,500 से 86,000 के ऊपर जा पा रहा है। तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है कि शाम के सेशन में एक ड्रॉप मिलना चाहिए 84,200-300 के करीब, अगर मिलता है वहां पे आप बाय करके चलो, अपसाइड है, बट आज लिमिटेड अपसाइड है, जो 85,400-85,500 तक का ही लेवल एक बार दिखा सकता है। तो टाइमिंग वापस एक ड्रॉप पे लेके चलना है, शॉर्ट की सलाह नहीं है, शॉर्ट की सलाह नहीं है यहाँ पर। और फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों में यहाँ पर खरीदारी की सलाह केडिया जी की तरफ से आ रही है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय गोल्ड और सिल्वर में आज क्या है? आप देखेंगे तो $2,500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है और सिल्वर भी $29 के ऊपर सस्टेन करती हुई दिख रही है। एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं और हमने देखा है कि जब भी प्राइस डिप लेते हैं तो वहां से अच्छी खासी रिकवरी, एक शार्प रिकवरी हम देखते हैं। तो आज हमें लगता है कि दोनों ही सेगमेंट में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर सिल्वर में हमें लगता है कि 86,500 के आसपास अगर भाव थोड़े डिप लेते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 85,880 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 87,510 तक देखा जा सकता है। ये जो हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम है, ये आने वाले एक या दो दिन भी रह सकती है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जल्दी ही चांदी का भाव $31 तक के लेवल को दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डेटा आ रहे हैं और जिस तरीके से हम जो टेस्टिमनी देखा था हमने जोरेन पॉवेल का, और उसके बाद हमने देखा कि जो सिंपोजियम आया था जैक्सन होल का, दोनों से इंडिकेशन ये आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो जल्दी ही कट हो सकते हैं, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट है। इवन अगर हम देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो भी करीबन एक साल के लोअर लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से काफी अच्छा सपोर्ट देख रहे हैं। इवन अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर ETF की खरीदारी भी दोबारा से इनफ्लोस बढ़ते हुए दिखाई दिए, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है और हमें लगता है कि इसके चलते गोल्ड सिल्वर में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले एक दो दिन अभी और रह सकता है। चलिए, गोल्ड सिल्वर की बात आपने कह दी कि क्या करना चाहिए। अब एक एक करके हम अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, बीच में और भी कुछ कमोडिटी पर आपसे सवाल लेंगे। संदीप है, इन्होंने अपना शहर का नाम तो नहीं भेजा है, कोई भी सवाल भेजे, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर भेजे और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल ही इस नंबर पर भेजे। उनका सवाल है कि उन्होंने 6,200 के स्ट्राइक की क्रूड की कॉल ऑप्शन खरीदी है 252 रुपए में, फायदा हो रहा है, इनको क्या करना चाहिए? केडिया जी बने रहे, अभी रुके अच्छे तेल की अगर बात करें तो मुझे लगता है फिर से सैटरडे संडे आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सैटरडे संडे आते ही, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात कर ले या फिर मिडिल ईस्ट में बात कर ले, तनाव वापस बढ़ जाता है। बीच में अपने टेक्निकल और जो प्रोजेक्शंस बाकी सेंट्रल बैंक बाकी फंड हाउस से आ रहे हैं कि आगे डिमांड कम रहेगी, जिसके चलते हमने ये करेक्शन देखा था। बट आई थिंक नीचे में 78 के नीचे ब्रेंट जाता हुआ नहीं दिख रहा, 82 के ऊपर भी नहीं जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में भी 6,200 से 6,400 का दायरे में ही है, तो मुझे लगता है इनको बने रहना चाहिए यहाँ से। मुझे लगता है कच्चे तेल में अगर फ्यूचर्स की बात करें तो मुझे 6,350 से 6,400 तक का लेवल दिख रहा है, वहां पे इनके ऑप्शन में जो पोजीशन है वहां पे वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। बट दायरा बना हुआ इसी दायरे में रहेगा, बट टोन पॉजिटिव है कच्चे तेल के लिए। एक और सवाल कच्चे तेल पर ही है, अमित हैं दिल्ली से, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? अनुज जी आप बता दीजिए, दिल्ली से आप हैं भी और दर्शक भी दिल्ली से ही, क्रूड में क्या करना चाहिए उनको? देखिए, डिमांड कंसर्न सबसे ज्यादा है और हम देख रहे हैं कि डिमांड जो है वो वीकनेस में है और हम देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली क्रूड में आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो सेगमेंट में बिकवाली है वो देखी जा सकती है।
अगर भाव ऊपर 6,320 के आसपास मिलते हैं तो हमारे हिसाब से बिकवाली करना चाहिए, 6,380 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 6,220 तक देखा जा सकता है। हमें लगता है कि अगेन क्रूड के अंदर बिकवाली आ सकती है, नीचे भाव करीबन अगेन WTI के 72-71 डॉलर तक देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी, ये केड़िया जी एक और सवाल संदीप जी फिर से पूछ रहे हैं कि क्या वो कच्चे तेल का 6,150 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं क्या, या पुट ऑप्शन खरीदे? देखिए, मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि नो डाउट डिमांड का कंसर्न है, ये ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट करके चला हुआ है, रेट कट है वो कहीं ना कहीं मेटल्स को और एनर्जी को सपोर्ट करेगा, साथ में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनको बाइंग साइड ही रहना चाहिए। 63 की जगह अगर ये इन द मनी लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है 6,200 का कॉल भी लेंगे तो इट विल बी वर्थ, अदरवाइज डे पॉइंट को फिर से मैं बता रहा हूँ 6,300 का कॉल लीजिए, 120 पे 60 का स्टॉप लॉस लगाइए, 220 तक का टारगेट रहेगा। तो ये कॉल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, केडिया जी की जो कॉल ऑप्शन केडिया जी की तरफ से दी गई है। अनु जी, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, ये दो तरीके का सवाल पूछ रहे हैं, क्या 6,150 के स्ट्राइक की कॉल खरीद ले या फिर 6,450 के स्ट्राइक की पुट खरीद ले, क्या सलाह देंगे आप उनको? देखिए, मुझे लगता है कि इनको पुट साइड में आना चाहिए। हालांकि आप देखेंगे तो मार्केट में का जो एक रैली आई थी, 7% मार्केट बढ़ा था, उसके बाद अगेन करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर बाउंस आता है तो मुझे लगता है कि 6,400 की पुट ये लेके चल सकते हैं, और नहीं तो नीचे में अगर ये 6,100 का भी पुट लेते हैं वो भी मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम वहां पे आ सकता है। तो अगर इनको पुट में ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से 6,100 का पुट में ट्रेड लेके चल सकते हैं। अगले दर्शक है आशीष है राजस्थान से, सोने में क्या करना चाहिए, केडिया जी क्या सलाह देंगे आशीष जी को आप? देखिए, गोल्ड में नो डाउट तेजी जरूर है, पोजिशनली भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जिस ढंग से हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट की जो शुरुआत होगी ये आगे तेजी देगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं प्राइजेस 72,200 72,400 के करीब जाता है और वहां से प्रॉफिट बुक कर लेता है, तो आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए, 71,900 के करीब मिले लेके चलिए, 71,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 72,400 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ध्यान रखिए, सोने चांदी पे हम बार बार में एक रेजिस्टेंट फेस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि जैसे ही ये 72,500 के ऊपर क्लोजिंग देता है या इंटरनेशनल में 2,530 के ऊपर जाता है स्पॉट, तो एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट आ जाएगा मार्केट में, तो मुझे आज के लिए 71,900 पे लीजिए, 71,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 72,400 तक का टारगेट मिलेगा। अगले दर्शक भी रमेश हैं जो रायचूर से, इनका सवाल भी गोल्ड पर है कि गोल्ड में आज क्या करना चाहिए, अनुजी क्या सलाह देंगे रमेश जी को? देखिए, गोल्ड में सेंटीमेंट पॉजिटिव है, हालांकि अगर हम देखें तो नीचे में 2,500 का गोल्ड ने अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है, और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 2,530 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी फेस कर रहे हैं, तो रेंज में आउट मोमेंटम हम देख रहे हैं, मगर जो अंडरटोन है यहाँ पर वो पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है, और लग रहा है कि ऊपर में अगेन 72,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और 2,530 डॉलर अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो फिर 2,550-2,560 के डॉलर तक के लेवल जा सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत डिप मिलता है नीचे 71,600 71,700 के आसपास तक, तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ कृष हैं दिल्ली से, इनका सवाल कॉपर पर है, कॉपर में क्या करना चाहिए अनुज जी इनको, कृष को? देखिए, अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पे कॉपर में एक मोमेंटम हमने देखा है कि हायर लेवल पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहे थे, हालांकि लास्ट वीक अच्छी खासी रिकवरी देखी थी, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड कंसर्न की वजह से, तो अगर प्राइस अगेन सितंबर की अगस्त की एक्सपायरी है तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लगता है ट्रेड लेना चाहिए, 811 के आसपास मिले, 810 811 के आसपास तो बिकवाली का ट्रेड लें, 816-80 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 804-802 तक देखा जा सकता है, तो थोड़ा सा बाउंस बैक आए तो बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, प्रवीण है पुणे से, नेचुरल गैस और हल्दी दोनों का आउटलुक जानना चाह रहे हैं, क्या केड़िया जी आप बताइए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, हल्दी आज अच्छी रिकवरी दिखी है, आगे की चाल क्या लगती है, दोनों में बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर नेचुरल गैस की बात करें तो हमने देखा कि ओवर प्रोडक्शन ओवर स्टोरेज की कैपेसिटी की वजह से हमने नेचुरल गैस में अच्छी खासी गिरावट देखी, एक्सपायरी भी थी जिसका दबाव कंटिन्यू बना था, अब सितंबर वायदे की बात करें तो मुझे लगता है 170-72 का रेंज का सपोर्ट ले चुका, अगले हफ्ते से अगर वेदर की बात करें तो वार्म वेदर रहेगा जिसके चलते डिमांड इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, साथ में लोअर प्राइस के चलते इक्विटी चेकर्स पे जितने भी प्रोड्यूसर है इन्होंने अपने प्रोडक्शन कट करना चालू कर दिया है और साथ में सितंबर में मेंटेनेंस के लिए शटडाउन रहेगा, इन सबको फैक्टर करते हुए मुझे लगता है तेजी रहेगी, जहां पे नेचुरल गैस
सितंबर वायदा 173 पे लेके चलिए, 168 का स्टॉप लॉस रखिए। इवन अगर ये कल तक कैरी भी करते हैं तो मुझे लगता है 180 से 82 तक का लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो नो डाउट हमारा भी एक्सपेक्टेशन था बैलेंस शीट को देखते हुए कोई बड़ी गिरावट नहीं रहेगी, बट पिछले 4 सेशन में जो हमने बड़ी गिरावट देखी इसके मल्टीपल कारण थे, जहां पे हमने एक्सपोर्ट हो गया या ट्रिगर स्टॉक ट्रिगर हुआ जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव आया था। तो मैंने टेक्निकली बताया भी था कि 12,500 तक का मुझे लो लगता है और आज एग्जैक्टली हमने 12,400 तक का लो देखा है। फंडामेंटल अभी भी काफी अच्छे हैं। अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं तो जनवरी फरवरी तक हम टाइट बैलेंस शीट में रहेंगे, जहां पे 6 से 7 लाख बोरी का ही स्टॉक रहेगा। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है करंट लेवल से शॉर्ट की कतई सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। 13,300 के करीब लेके चलिए, 12,900 13,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। टेम्पररी जंप 13,800 का है, बट मुझे लगता है कि जो 12,500-13,000 का जोन आके गया है ये एक बेहतरीन एक सपोर्ट रहेगा, क्योंकि जनवरी में भी हमने 12,500 का ही सपोर्ट से मार्केट को उठते हुए देखा और पिछले साल सितंबर में भी जब गिरावट आई थी तो 18,000 के सपोर्ट से 18,000 के लेवल से टूटा था, जो 12,500-12,800 के सपोर्ट से उठा था। तो टेक्निकल और फंडामेंटल करंटली फैड है, लेके चलिए 13,800 से 14,200 का इमीडिएट टारगेट हल्दी में देखने मिल जाएगा। ओके, तो ये हल्दी को लेकर व्यू यहां पर आपका निकल कर आ रहा है। अगली दर्शक हमारे साथ भूमिका हैं अहमदाबाद से। क्रूड इन्होंने 6,700 पर लॉन्ग कर रखा है, हालांकि काफी नुकसान हो रहा होगा इनको। किरिया जी आपसे ही जानना चाह रही हैं, क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कच्चा तेल ये पीरियड में काफी वॉलेटाइल है, हम बार बार में देख रहे हैं कच्चे तेल के अंदर न्यूज बेस्ड ड्राइवर है, लेकिन एक कुल मिलाकर अगर आप 2 महीने का भी ट्रेड देखते हैं तो ना ही हम 6,000-6,100 के नीचे सस्टेन कर पा रहे हैं, ना ही 6,600 से 6,700 के ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफी समय से ये होल्ड है, अनलेस एंड अंटिल 6,100 के नीचे की वीकली क्लोज नहीं देता है, मुझे लगता है कच्चा तेल दायरे में रहेगा जो ऊपर में 6,500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो सलाह है कि 6,640-6,650 पे मिलता है तो एवरेज करने के लिए लीजिए, 6,150 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। ऊपर में बाउंस मिलेगा जो 6,360 से 6,400 आता है, वहां पे लगभग इनके एवरेज के करीब पहुंचेंगे, वहां पे इनको इजी एग्जिट रूट मिल जाएगा। अगले दर्शक हमारे साथ है, नवनीत है राजगढ़ से। केडिया जी आपसे ही जानना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि आज जीडीपी का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेकर क्या उम्मीद, आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है, आपके एस्टीमेट्स क्या है? देखिए, अगर अब अभी भी देखें तो एस्टीमेट जो आ रहे हैं वो 2.8 के ही आ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कोई चेंजेस नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रहा है वो है इन्फ्लेशन का नंबर, जिसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि फेड ने पहले ही कहा था कि हम इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन मूव कर रहे हैं 2% का जो टारगेट है। तो मुझे लगता है आज के डेटा पॉइंट से कोई मेजर चेंजेस नहीं है, बट डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से मैं अपसाइड लिमिटेड देख रहा हूँ। बट आपको जो ध्यान देना चाहिए वो इन्फ्लेशन के नंबर्स पे ध्यान देना चाहिए, जहां पे मुझे लगता है कि 2.5 का जो एक्सपेक्टेशन है वहां पे बीट होगा। तो आज का डेटा इनलाइन ही आने की उम्मीद है, जिसके बाद सोने चांदी में मुझे लगता है थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, की लेवल्स पे हम लोग गोल्ड सिल्वर पे ट्रेड करें, जहाँ पे $30 चांदी में और इंटरनेशनल में 25-30 गोल्ड में है। ये दो लेवल ब्रीच करेगा तो एक अच्छा स्पाइक आएगा, क्योंकि सितंबर में रेट कट रहने की उम्मीद है। अगले दर्शक है रमेश है रायचूर से। अनुज जी आपसे सवाल है, 15 kg इन्होंने फिजिकल चांदी बेचा था 91,500 पे, अब जानना चाह रहे थे कि अब खरीदे कहाँ पर, बताइए इनको कहाँ खरीदना चाहिए, हाजिर के प्लेयर लग रहे हैं ये? देखिए, हमने हमेशा से कहा है कि जब भी चांदी 80,000 के आसपास मिले तो खरीदारी करना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा था कि 78 तक चांदी के भाव आते, तो वो एक पॉइंट था जहां पर ये कवर कर सकते थे। अगेन अभी भी देखे तो ये इंदा मनी है, मुझे लगता है कि इनको यहाँ पे कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से चांदी में अच्छा बाउंस बैक आ सकता है और ऊपर भाव अगेन 90,000 तक लेवल दिखा सकते हैं। तो इनके पास अभी इंदा मनी है, तो मुझे लगता है कि अपनी जो बिकी हुई चांदी उसको वापस यहाँ पे खरीद सकते हैं। केडिया जी अब बताइए, आप जीरे पर और धनिया पे, इन दोनों एग्री कमोडिटी पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले अगर जीरे की अगर बात करते हैं तो हमने रिकवरी आज पूरे ही स्पाइसेस पैक में देखी है, जहां पे जीरे पे भी मुझे लगता है कि एक ध्यान पॉजिटिव है टाइमिंग, क्योंकि डिमांड में सुधार होने की उम्मीद है। 25,300 पे लेंगे, 24,800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 26,000 तक का लेवल है। बट ध्यान रखिए, टाइमिंग हमारे पास सप्लाई बहुत अच्छी है, तो बार बार में जैसे 26,500 के करीब जाता है तो हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए, 20 सितंबर के बाद सोइंग के आंकड़े या सोइंग का जो मार्केट में एस्टिमेट है वो आने
वहीं चालू हो जाएंगे। इस बार हमें उम्मीद है कि लोअर भाव के चलते इस बार स्विंग का एरिया कम रहेगा, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जीरे के अंदर एक स्पाइक आने की उम्मीद है, जो वापस 28,500-29,000 का लेवल हम अक्टूबर मिड तक देख पाएंगे। वहीं अगर धनिया की बात करें तो सबसे ज्यादा लोअर परफॉर्मिंग कमोडिटी रहा है धनिया, पिछले 2 साल से काफी कमी रही है। कैरी ओवर स्टॉक हमारा काफी अच्छा था, पिछले साल का प्रोडक्शन भी 120 के आसपास था, जिसकी वजह से हमने दबाव देखा है। बट धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। इंट्राडे में डेफिनेटली मैं बोलूंगा 69.50 पे लीजिए, 7,150 तक का लेवल मिल जाएगा, बट ध्यान रखिए सितंबर 20 तक हम जैसे स्विंग के फिगर्स दिखने लग जाएंगे, एस्टीमेट्स आने लग जाएंगे, तो इस बार उम्मीद है कि 15-20% की स्विंग की कमी रहेगी, क्योंकि फार्मर के पास चना और बाकी क्रॉप्स, चना वीट, ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं जहाँ पे प्राइस बहुत शानदार रही है। तो इस बार धनिया में एरिया मुझे काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा, बट अर्ली एस्टीमेट्स के हिसाब से 18-20% के स्विंग में ड्रॉप रहेगी, जो एक बड़ा कारण बन जाएगा धनिया को स्पाइक आते हुए। पिछले 2 साल से इंपोर्ट हमारे अच्छे थे, बट इस बार ग्लोबल मार्केट में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से सभी कंट्री का जो ध्यान है वो फूड ग्रेन्स के ऊपर ज्यादा है, जिसको देखते हुए मुझे लगता है दोनों ही काउंटर में एक अच्छी तेजी बनेगी, बट 20 सितंबर के बाद जहां पे मेरा फर्स्ट पिक धनिया रहेगा। शुक्रिया केडिया जी, पूरी डिटेल्स में आपने बता दी, एग्री से लेकर नॉन एग्री मार्केट पर रहा है। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर और बात करते हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री, जो एक ग्लोबल एक्सपर्ट भी है, दुनिया के जाने माने बड़े एक्सपर्ट्स में शुमार हैं, इनका नाम आता है, इनकी राय पूरी दुनिया में सुनी जाती है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सर मेरा सवाल होगा, हिंदुस्तान में खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बातचीत हो रही है, इसको लेकर सिफारिश की गई है कृषि मंत्रालय की तरफ से, फूड मिनिस्ट्री की तरफ से, फैसला आना अभी बाकी है। क्या लगता है ग्लोबल मार्केट पर इस खबर का, अगर इस ये खबर आती है तो क्या असर होगा? देखिए विश्वमोहन, ये बड़ी टेस्ट है हमारे कृषि मंत्री की स्ट्रेंथ के लिए, कि कृषि मंत्री ने जो सुझाव सरकार को दिया है वो सरकार मानेगी या नहीं मानेगी। अब तक पिछले 10 सालों में जब भी कृषि मंत्री ने सुझाव दिए तो सरकार ने अपना निर्णय कुछ अलग ही लिया, और कृषि मंत्री का उतना महत्व नहीं रहता था जितना कि आज है, क्योंकि हमारे नए कृषि मंत्री काफी जोरदार, पावरफुल, वेल नोन पॉलिटिशियन शिवराज सिंह चौहान है। तो ये चौहान जी के लिए एक बड़ी टेस्ट है कि इनका सुझाव सरकार मानेगी या नहीं, ये पहला मेरा रिप्लाई। दूसरा, इसका इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगा? देखिए सालों से हमने देखा है कि जब इंडिया ड्यूटी बढ़ाता है या घटाता है तो उसका आधा इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में पड़ता है और आधा इंपैक्ट घरेलू बाजार में होता है। तो इस बार भी कुछ वैसा ही होगा, थोड़ा इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, लेकिन और कंट्रियों में भी ज्यादा अब कंजम्पशन हो रहा है। तो थोड़ा इंपैक्ट इंटरनेशनल में होगा और थोड़ा इंपैक्ट लोकल बाजार में जरूर होगा, और यही सरकार की एक प्रकार का डर है कि इससे इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ेगा, जरूर भाव दाम लोकल बाजार में बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छी बात है, देखते हैं सर क्या होता है। लेकिन चलिए एक और सवाल सर पाम तेल को लेकर आपसे पूछ लेते हैं, पाम तेल में क्या लग रहा है? हाल में जो थोड़ी तेजी आई है एक बड़ी गिरावट के बाद, क्या ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है? कहां तक तेजी जा सकती है? ये पाम में कुछ लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, और ये मैं कहता हूं कि एक प्रकार का ये अचानक सा डेवलपमेंट हो गया। ये कमोडिटी मार्केट में हमेशा होता रहता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया में काफी भारी एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट लेवी लगती है पाम ओलिन के एक्सपोर्ट पर। तो ये कभी स्पेक्युलेटर्स खास जाने माने बाजार को चढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे बाजार चढ़ता है, बढ़ता है, तो एक्सपोर्ट टैक्स भी बढ़ता है,
और एक्सपोर्ट टैक्स बढ़ता है बड़े बड़े पहलू में, यानी कि $25 या $35 एक एक ब्रैकेट में बढ़ता है। तो इसे जो लोग बाजार को पुश करते हैं उनको बड़ा फायदा होता है, मुनाफा होता है। तो मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ खेल रहा था बाजार में। अब ये खेल हो चुका है, नई एक्सपोर्ट ड्यूटी सितंबर के लिए अनाउंस हो चुकी है और मेरे ख्याल से ये खेल अब समाप्त हो गया। आपने देखा होगा कि पिछले 3 दिनों से बहुत सुबह में जब बाजार खुलती है मलेशिया में तो फ्यूचर्स बहुत मजबूत रहते हैं, ऊपर जाते हैं, लेकिन जब बाजार समाप्त होता है शाम को तो फ्यूचर्स का पूरा बुलिशनेस निकल जाता है और फ्यूचर्स नीचे आ जाते हैं, अनचेंज रहते हैं। तो ये हमें बताता है कि ये जो भड़का था बाजार में वो एक शॉर्ट टर्म भड़का था, अब वो भड़का निकल चुका है। मैं नहीं मानता कि बाजार में भाव ज्यादा ऊपर जा सकते हैं, बाजार में उत्पादन काफी है, सप्लाई बहुत अच्छी है और डिमांड कुछ ऐसी बहुत ज्यादा नहीं है। डिमांड में सबसे ज्यादा प्लेयर, बड़ा प्लेयर है इंडिया, और इंडिया ने इतना माल इंपोर्ट कर लिया है कि मेरे ख्याल से अगले 2 महीनों में इंडिया को उतना ज्यादा ज्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हालांकि हमारे यहाँ फेस्टिवल टाइम है। देखते हैं किस तरह का असर होता है पाम तेल में अब आगे, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ से अब तेजी ज़्यादा नहीं दिख रही है। लेकिन एक सवाल सर होगा, इंडोनेशिया का बायो डीजल ब्लेंडिंग का जो रेट है उसे बढ़ाने की तैयारी चल रही है, अगले साल इसे 50% तक करने की योजना बना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इतना संभव है? क्या उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि यह 50% तक ले जाए ब्लेंडिंग रेट को? नए नए राष्ट्रपति जो चुनाव जीते हैं वो अभी आए, तो इन्होंने अपना प्रस्ताव किया कि चलो हम अगले साल 40% पे जाएंगे बायोडीजल और शायद उसके बाद 50 भी जा सकते हैं, लेकिन ये इनकी एक टारगेट है। टारगेट और अचीवमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया को 50% पे जाने के लिए अब बहुत समय लगेगा। आपको मालूम होगा कि मोटर और के इंजन वगैरह को चेंज करने पड़ते हैं, ये कोई इतना आसान नहीं है, लेकिन 40% पर जरूर जाएंगे अगले साल और वो ऑलरेडी मार्केट में वो फैक्टर बन चुका है। सो मैं नहीं मानता कि ये बहुत बुलिश फैक्टर है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस साल इंडोनेशिया की प्रोडक्शन थोड़ी कमी है। मैंने मार्च महीने में क्वालालंपुर की कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा, आई वॉज दी ओनली एनालिस्ट जिसने बताया था कि इस साल पाम प्रोडक्शन कम होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि एल नीनियो जो 2023 में आया था उसकी थोड़ी थोड़ी इफेक्ट इस साल भी हमें लगी है। अब अगले साल, इस साल में जो भरपूर बारिश हुआ है उसकी अच्छी इफेक्ट होगी, यानी कि अगले साल पाम प्रोडक्शन विल बी बेटर देन 2024। तो ये सब फैक्टर ध्यान में रखते बिल्कुल सही बात है, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इंडोनेशिया करती है। लेकिन सर आखिरी सवाल होगा सोयाबीन को लेकर, यहां पर क्या लग रहा है? जिस तरह से दाम नीचे आए हैं, क्या और गिरावट बची है या यहां से कुछ रिकवरी? देखिए, सोयाबीन में हिंदुस्तान में फसल अच्छी होने वाली है, लेकिन क्रश मार्जिन बिल्कुल नहीं है। अब मेरा सुझाव है सरकार को कि आप सोयाबीन मील के एक्सपोर्ट के लिए कुछ तरह के इंसेंटिव हमारी क्रशिंग इंडस्ट्री को लगाइए, कुछ इंसेंटिव, कैश इंसेंटिव या एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, कुछ भी कुछ लगाइए ताकि हम हमारी क्रशिंग जोर में चालू हो। बिल्कुल सही बात है, किसान तभी जब क्रशिंग को बढ़ावा देना पड़ेगा और किसानों को भी बेहतर भाव मिलेंगे। शुक्रिया दोराब सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को खाने के तेल के मार्केट के बारे में पूरी एनालिसिस करके बता दी। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। नमस्कार।